नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हमने यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज को जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। आज हम यहाँ पे 32वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 31 भाग हम डिस्कस कर चुके हैं, तो काफ़ी सारा फैक्चुअल डाटा उन 31 भाग के अंदर करवाया जा चुका है। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे लेके आए हैं, जो 2019 में आपका दिया गया था। 2018 में कांस्टेबल आरपीएफ का जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसका एग्ज़ाम आपका 2019 में लिया गया था। इस पर्टिकुलर सीरीज का करवाने का हमारा जो मकसद है वो है 2024 में जो आप कांस्टेबल आरपीएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए आप अब अच्छे से प्रिपेयर होके जाए, जिससे पहले आप अपनी तैयारी का आकलन कर सके कि कितने आप यहाँ पे क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं, कितनी आप तैयारी कर चुके हैं और कितनी और तैयारी आप कर सकते हैं, जिससे 2024 में जो आपका सिलेक्शन है आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर वो सुनिश्चित हो सके। जीके जीएस का पार्ट इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन जो है जीके जीएस के यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर पूछे जाते हैं। तो एक सेकेंड रीज़न ये भी है इस वीडियो सीरीज का, आरपीएफ यानी कि जो रेलवे है वो काफ़ी सारे जो क्वेश्चन होते हैं उनको रिपीट करता रहता है, तो इस सीरीज से आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो अपने 2024 में देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चा आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है या फिर सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, वो इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली जो आपको है वो 2024 में बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि 2024 में जितनी वैकेंसी आई है 4600 मात्र वैकेंसी आई है दोनों को मिलाकर, कांस्टेबल और एसआई को, तो वैकेंसियाँ बहुत कम है और कॉम्पिटिशन हाई होने वाला है। इसलिए आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं इस वीडियो सीरीज को देखकर। तो चलिए आज हम पार्ट नंबर 32 यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो का सेशन है जो उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेना, आरपीएफ कांस्टेबल है, पीवाईक्यू सीरीज 2018-19 है और टोटल 17 शिफ्टों में ये कांस्टेबल का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले, निम्न में से कौन सा समस्थानिक नहीं है, तो कौन सा समस्थानिक नहीं है, साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये हो जाएगा CA20 और AR18, तो ये है जो एक समस्थानिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है, तो जो मनुष्य के लिए ध्वनि है, साउंड है, वो सुनने की क्षमता कितनी है, 0 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 30,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मनुष्य के लिए जो साउंडेबल है, ऑडिएबल है, सुन सकता है जितनी मनुष्य, तो 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर थ्री पर। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में कहा गया, तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है, तो जो तत्व होता है उसके सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, परमाणु, पॉलीमर, समस्थानिक या फिर अणु। क्वेश्चन नंबर थ्री का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थ्री है जो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो तत्व की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है परमाणु। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर फोर पर। क्वेश्चन नंबर फोर में कहा गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1989, 1980, 1991 या फिर 1992। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो 1992 में ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो है वो स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कहा गया, पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे, तो जो पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल थे वो कब आयोजित किए गए थे, 1992, 1947, 1996 या फिर 2000। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल थे ये 1996 में आयोजित करवाए गए थे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। सिक्स में कहा गया, संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, 545 सदस्य, 552 सदस्य, 550 सदस्य या फिर 551 सदस्य। क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्य होते हैं वो 552 होते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेवन पर। सेवन में कहा गया, सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से है, तो सुधीरमन कप है जो उसका संबंध किस खेल से है, हॉकी से है, फुटबॉल से है, गोल्फ से है या फिर बैडमिंटन से है। क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। तो ये जो सुधीरमन कप है इसका संबंध है बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर एट पर।
एट में कहा गया है कोइल और सांख नदियों के संगम को डैस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो नदियां हैं कोइल और सांख, इन नदियों का जो संगम होता है, इन दोनों नदियों का जब पानी मिलता है तो उसको क्या कहा जाता है, वैतरणी नदी कहा जाता है, गोदावरी नदी कहा जाता है, कावेरी नदी कहा जाता है, या फिर ब्राह्मणी नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर एट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। तो कोइल और सांख नदियों के संगम को ब्राह्मणी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर नाइन पर। नाइन में कहा गया मैन हॉकी एशिया कप 2017 निम्न में से किस देश ने जीता है। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा गया है, तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं हिस्ट्री से रिलेट करके कि मेंस जो हॉकी एशिया कप 2017 था वो किस देश ने जीता था। पाकिस्तान ने जीता था, श्रीलंका ने जीता था, बांग्लादेश ने जीता था, या फिर भारत ने जीता था। क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये भारत के द्वारा ही जीता गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताएंगे, यू नो वेरी वेल अभी पेरिस ओलंपिक चल रहा है और जो हॉकी है उसमें भी भारत की जो मेंस की टीम है वो गई हुई है, भारत की जो मेंस हॉकी टीम ने है उसने कौन सा पदक जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर टेन पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए निम्न में से किसे 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है वह व्यक्ति और उन्होंने काफ़ी सारा योगदान दिया है, तो ऐसे कौन व्यक्ति है जिन्हें 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अपर्णा पोबट, प्रकाश पादुकोण, नंदू एम नाटेकर, या फिर पुलेला गोपीचंद। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ये प्रकाश पादुकोण थे जिनके असराहनीय योगदान इन्होंने दिया था बैडमिंटन खेल में और इसी के देखते हुए 2018 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी। तो जब स्टार्टिंग की गई थी सर्वोच्च न्यायालय की तो उस समय जो जज होते थे उनकी कितनी संख्या होती थी, 9 जज, 11 जज, 8 जज, या फिर 7 जज। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा 8 जज। तो प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय की निर्धारित जो जजों की संख्या थी वो होती थी 8। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है हमारी, तो ये किस संशोधन के द्वारा हुआ है, 73वें संविधान संशोधन, 78वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन, या फिर 76वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है निर्माण पंचायती राज व्यवस्था का वो किया गया है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में कहा गया है विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है। तो क्या कहलाती है, जो विलयन होते हैं उनको शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक यानी कि अलग करने की विधि क्या कहलाती है, विसरण, संघनन, क्रिस्टलीकरण, या फिर ऊर्ध्वपातन। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये क्रिस्टलीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मॉन्ट्रियल जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस, रियो ग्रांडे, या फिर मिसोरी नदी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ये जो मॉन्ट्रियल शहर है ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में कहा गया भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो ये क्वेश्चन तकरीबन 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है, अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स देखे होंगे, 30 पार्ट देखे होंगे, तो ये आपने देखा होगा राज्यपाल वाला क्वेश्चन 4 या 5 बार रिपीट हो चुका है, तो इस वजह से भी ये जो वीडियो सीरीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, या फिर 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो 35 वर्ष राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में कहा गया झारखंड की निम्न में से किस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है। तो झारखंड की ऐसी कौन सी नदी है जिसके अंदर जलोढ़ सोना पाया जाता है, सुवर्णरेखा, दक्षिण कोइल, उत्तरी कोइल, या फिर बाराकर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये जो सुवर्णरेखा नदी है झारखंड की इसी के अंदर जलोढ़ सोना पाया जाता है।
नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में कहा गया है साजी थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो ये जो साजी थॉमस व्यक्ति हैं 2014 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो साजी थॉमस व्यक्ति का किस खेल से संबंध है, तलवारबाजी से, नौकायन से, बॉक्सिंग से या फिर साइकिलिंग से। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो साजी थॉमस व्यक्ति हैं इनका संबंध तलवारबाजी से है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है राज्य की कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती है। तो राज्य की कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती है, उच्च न्यायालय के पास, मुख्यमंत्री के पास, विधानसभा सदस्य के पास या फिर राज्यपाल के पास। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो राज्य का कार्यकारी शक्तियाँ होती है, राज्य की कार्यकारी शक्ति होती है वो राज्यपाल ही होता है, क्योंकि जो कार्यकारी मुखिया होता है राज्य का वो भी राज्यपाल ही होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो लोकसभा सदन है, लोकसभा संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। पीर पंजाल और धौलाधर पर्वतमालाई डैश का हिस्सा है। तो ये जो पीर पंजाल और धौलाधर पर्वतमालाई है ये किसका हिस्सा है, पार हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है, शिवालिक का हिस्सा है, उच्च हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है या फिर निम्न हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो पीर पंजाल और धौलाधर पर्वतमालाई है ये निम्न हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है। तो ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिस भी ग्रुप से आप जुड़ रहे हो तो उन ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा, सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट और इस वीडियो सीरीज की कंप्लीट PDF टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।